अरे धीरे चला, राम 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 राम। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक इन अवर न्यू व्लॉग। तो अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 6:01, मतलब शाम के 6 बज रहे हैं। एंड अभी अभी जस्ट फिलहाल मैंने गेमिंग चैनल का वीडियो अपलोड किया, अभी मैं फ्री हुआ हूँ तो अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल तो खाना खाने। एंड सुबह गोलू काजल ये लोग गए थे किट्टू को फर्स्ट वैक्सीनेशन करवाने के लिए। आज किट्टू का फर्स्ट वैक्सीनेशन था, तो पहले आप लोग वो व्लॉग देख लो, उसके बाद मैं आगे का कंटिन्यू करूंगा। तुम भी चल रही? अभी हम लोग जा रहे हैं किट्टू को वैक्सीन दिलवाने। सुई लगेगी जैसे मेरे को लगती है डेली, आज उसको भी, वो पहले से ही कांप रहा है। क्या की लगेगी वैसे ठंड से? कोरोना की। कोविड की। चलो चल रही। और ये केले के छिलके कल कैसी लगे? मेरा ही है, खाया हुआ। तो घर पे डालेंगे डस्टबिन में। चलो किट्टू, सुई लगेगी। पिछले बार तो नहीं रोया था, इस बार भी नहीं? नहीं, पिछले बार दो लगी थी पर नहीं रोया था। ये अच्छा बच्चा है। तो अभी इसको बोला डॉक्टर ने कि यहीं पे रखो गाड़ी में ही, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है इसलिए। किट्टू यहीं रहो, यहीं पे आकर वो दे देंगे। रुको रुको, आ रहे अंदर आ रहे। तुम भी यहीं रहो। चलो मैं जाता हूँ। चलो आ रहा है इंजेक्शन। किट्टू रेडी? इंजेक्शन आ रहा है कुछ ही देर में। इसको छोड़ दे यहाँ पे अकेले। क्या? यहाँ पे बिठा दे सीट पे। पकड़ लीजिए इसको, पकड़ ले। फिर अंकल को पकड़ा दीजिए। पापा आप पकड़ लीजिए, आइए पापा अभी इसको पकड़ेंगे। ये रहा इंजेक्शन। मैं नहीं पकड़ पा। अरे अरे अरे, हाँ बस बस बस, हो गया किट्टू। अरे अरे अरे, हो गया। हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। कोविड का इंजेक्शन लग गया, अब नहीं होगा कोविड। कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा कोविड? कोविड नहीं होगा किट्टू। तुमको छुई लग अभी तो आवाज भी किया पिछले बार जब छोटा था उस टाइम, पता है ये बोलता नहीं था बोल नहीं पाता था उतना ज्यादा, तो क्या बोलेगा। अब बड़ा हो गया है, बोलना आ गया, इसलिए चिल्लाया। तो अभी हम लोग ने यहाँ पर सनरूफ को खोल दिया, मतलब ये वाला कांच बंद है, ये वाला पूरा नहीं खोला है, ये ऊपर का जो ये रहता है ये पूरा खोल दिया है। ऐसे में मस्त लगता है, लाइट भी ऐसा ही रहता ही है, ऐसा ही सब में रहता है। जितने भी मैं तो ऑन करता हूँ फिर देखता हूँ बंद हो जाता है। अभी ऑन किया, अब हमेशा ऑन रहेगा। धूप देखो, धूप दिख रहा है यहाँ से। सो अभी यहाँ पर घर पर आ चुके हैं। ये रहा इसका, क्या है ये? मिल्क बोन है इसका। ये अभी देंगे, थोड़ा सा देंगे तोड़कर, क्योंकि बहुत बड़ा है ये। थोड़ा सा तोड़कर दीजिएगा, पूरा नहीं खाए। एक निकाल तो दोनों नहीं, ऐसे से आधा, फिर बेकार हो जाएगा अगर नहीं खाया तो। एक निकाल के पतला वाला दीजिए, पतला ये वाला। तो आज एकदम से काफी ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है, मतलब अभी घर में जैकेट पहनने की जरूरत पड़ गई। वैसे तो दो दिन पहले से ही ठंड ज्यादा है, बट कल रात को मैं देख रहा था टेम्परेचर तो 6 डिग्री तक चला जा रहा था, मतलब 6 डिग्री तक अगर 0 पे चला गया तब तो फ्रीज हो जाएंगे सब लोग। अभी फिलहाल इधर खाना आ चुका है, ये भी खाने में लगा है, मेरा भी खाना आ गया। एंड ठंड के कारण अभी देखो सबकी क्या हालत है, पूरे दिन अभी ओढ़ कर ही बैठे रहना पड़ रहा है। किट्टू भी मस्त मजे से ओढ़ कर बैठा हुआ है। मैं और माँ तो मस्त छत पे सोए हुए थे, कंबल ओढ़ लिया था, ऊपर मस्त तेज धूप थी, वहीं दिन में ये लोग धूप के मजे ले रहे थे। आज माँ बोल रही है ये कुछ पैक करने के लिए, ये जो है ना खिड़की, ये दोनों एंड एक ये हो गया, ये सब पैक कर देना है। इसको पैक नहीं करना, ये तो कांच लगा हुआ है ऊपर वाले। हाँ, एक ये एंड एक ये, क्योंकि यहाँ पे ये जाली है ना तो बाहर से हवा आता है, इसमें तो कांच लगा है तो ये पैक है, ये पैक है। सबसे गर्म रूम ना मेरा ही रहता है। हाँ। सबसे ज्यादा ठंडा ये रहता है, उसके बाद ये बीच वाला, एंड सबसे ज्यादा गर्म मेरा रूम रहता है, वहाँ पे ठंड बिल्कुल कम लगती है। तो अभी फिलहाल तो खाना खाते हैं यहाँ पे, एंड उसके बाद ये एंड ये दोनों पैक कर देंगे। अभी ठंड इतना ज्यादा हो रखा है ना कि मैं अभी मेरे रूम में बैठा हूँ गेमिंग चेयर पे, यहाँ पे भी ये देखो मैं ये लेकर बैठा हुआ हूँ कंबल, क्योंकि यहाँ पे भी बैठे बैठे ठंड लग रही है। हालांकि मेरा रूम पैक है, मतलब ऊपर उधर से भी पैक है, पीछे साइड तो कुछ है नहीं, यहाँ पे एक ये है, ये भी पैक है, पूरा इधर से टोटली पैक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ ये कंबल लेकर बैठा हुआ था। एंड हाँ, एक और चीज यहाँ पे ना, मैं ये बॉटल भी लेकर आ गया, क्योंकि रात में मैं लेट एडिटिंग करता हूँ तो बार बार ठंड के दिन में किचन में जाना पड़ता है, आना पड़ता है, पानी पीने के लिए रात में 3-4 बार चले जाना पड़ता है, इसलिए मैं पानी का बॉटल भी यहीं पर लेकर आ गया। ये रहा मेरा पानी का बॉटल एंड ये प्लेट, कुछ खाया था मैं, और ये फिर से भर गया। इसको ना वापस से मैं खाली करता हूँ, देखना अभी इसमें से कितना निकलता है, आप लोग देखते जाना। ये निकला, अब मैं इसमें ये नहीं भरा करूंगा, क्योंकि अब मैं बॉटल रखने लगा हूँ ना, तो अब मैं बॉटल इसमें रखा करूंगा। वैसे भी ये बॉटल होल्डर है यार, इसको मैंने फालतू में डस्टबिन बना रखा है। किसी को कुरकुरे खाना है? ये लो, मुझे। हाँ हाँ दे रहा हूँ, दे रहा हूँ।
क्या इंसान है आज तक नहीं टेस्ट किया हूं। तो तू ही तो बोला, मैं तो उधर गया था माँ से पूछने, काजल से पूछने, तू बोल रहा मुझे। हेलो हेलो किट्टू 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 कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो बताओ? ठंड के दिन में नीचे नहीं घूमते, ठंडी ज्यादा लगेगी तुमको, जाओ ऊपर घूमो, ऊपर रहना चाहिए यार, शांति से सो जाओ। सो आज हमारे घर बन रहा है आलू पराठा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेयोनीज लाने के लिए। और अभी फिलहाल टाइम हो चुका है 9 बज चुका है, तो शायद से दुकान भी बंद हो गया होगा, अभी फटाफट से जाते हैं चेक करके आते हैं। तू भी चल रहा है? हाँ। क्या सड़ा सा जैकेट पहन लिया, अभी कुछ अच्छा पहन लिया कर। गरीब मेरा बात सुनो, बड़ा वाला मेयोनीज ले आना, छोटा मत लाना। छोटा बार बार लाना पड़ता है क्योंकि ठंड का मौसम है, हमेशा आलू पराठा बनाते हैं। आज नहीं, यहाँ पे नहीं मार्केट में मिलेगा, कल हम लोग 1 किलो वाला लेकर आ जाएंगे, पूरा बड़ा वाला। अगर खाना है तो बड़ा वाला ले आओ। अरे मेरा लग रहा जैसे दानव जैसा आवाज, आवाज चेंज हो गया है, सर्दी जुकाम के कारण आवाज ही चेंज हो गया है। जुकाम के कारण, जुकाम इतना हो गया है जुकाम की, अब जुकाम पता ही नहीं आवाज चेंज हो गया क्यों, वर्ड्स भी लड़खड़ाने लग गए। अभी हम लोग कार में बैठे हैं, लेकिन कार में भी बैठे बैठे यहाँ पे हम लोग कांपने में लगे हुए हैं, मतलब कार भी इतनी ज्यादा ठंडी हो रखी है। अभी हीटर चला कर बैठे, बट हीटर भी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपर। सो ये रहा अभी फटाफट से हम लोगों ने मेयोनीज ली और फटाफट से कार में घुस गए, दुकान पे रिकॉर्ड भी नहीं किया, हीटर चला कर बैठे हैं। अभी 1 किलो का ले लिया इस बार, क्योंकि वो 35 वाला रहता है ना, वो इतना सा रहता है, उसमें लूटते हैं लोग, इसमें नहीं लूटते। 1 किलो वाला अच्छा खासा बड़ा है, क्योंकि वैसे भी अब ठंड में देखो ज्यादा आलू पराठा बनेगा तो ये काम आएगा। तो अभी बहुत सालों बाद भैया चलाएगा यहाँ पर कार, चल चला के बता कैसा चलाता है। मैं भूल गया अबे, मैं सब भूल गया इतनी जल्दी। हाँ वाह, अभी घूमने जाएंगे ना कुछ दिन बाद, तब तुझे ही चलाना है। तो यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट कर दी है, देखते हैं आज गाड़ी सामने क्या है। हैं रुक जाए, जूम करता हूँ। डॉग है, डॉग है, डॉग है, हॉर्न हॉर्न हॉर्न। नहीं नहीं, मुझे लगा डॉग है। पेपर पेपर पेपर, सब लोग दूर रहे, मुझे कार वार चलाना नहीं आता है। नकली ड्राइवर है, कहीं भी ठोक सकता ड्राइवर है। ड्राइवर असली है बट सीखा नहीं है। जो इंसान आया रास्ते में उसका आज आखिरी दिन होगा। अरे अरे धीरे चला, राम 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 मुझे डर लग रहा है। अब अंदर भी पार्क भी तुझे ही करना है। नहीं, आ गए नहीं। हम लोग घर, वो रहा ऊपर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। चल तो कार बंद हो जाएगी। हाँ, एक नंबर गियर में, अबे एक नंबर में ही बंद हो जाएगा, नहीं होगा। और माफ कर दे, कैसे चला रहा है? कुछ तो होगा यार, मैं काफी दिनों से छोड़ चुका, बिना रुके डाउन डाउन दो बार ब्रेक मार, गाड़ी भी टी टी करने लगी बेचारा। सो गाइस अभी अपन लोग पहुंच चुके हैं, कैसा लग रहा है? यही हाल होता है अगर एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद कार चला। हाँ, तो क्या बताओ, यहाँ आके पता है ब्रेक ऐसे मार रहे हैं ना, लग रहा है जैसे गाड़ी फेंक जाएगा। वो ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों एक पैर से कंट्रोल करना रहता है। ब्रेक पे पैर मैं सोचा दबा रहा हूँ, एक्सेलरेटर पे दब गया एकदम से आगे, फिर ब्रेक डर लगने लगा था मेरे को, तो ऐसे यहाँ पे चलाया, बाकी पूरा रास्ता ठीक चलाया। गए थे पापा चलाकर ला रहे थे, मैं बीच में थोड़ी देर के लिए चला, थोड़ी देर। तो अभी यहाँ पे सबका डिनर चल रहा है, मैं यहाँ पे बनाने में लगी हुई है आलू पराठा। आलू पराठा कुछ ज्यादा ही सब खाते हैं, 2 की जगह 4 पेट। हाँ। सबका पेट बड़ा हो जाता है आलू पराठा के नाम पे। रोटी कम खाते हैं, रोटी बस 3-4। मैं भी ज्यादा नहीं खाऊंगा, 4 खाऊंगा बस, 4 से ज्यादा नहीं। मैं रोटी भी 4 ही खाता हूँ, रोटी भी तुम कम ही खाता है। तो ये रहा मेरा खाना, आलू पराठा, मेयोनीज और ये साग है थोड़ा सा। तो अभी फिलहाल रात के 1 बज रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे मूवी देखने में लगे हुए थे। ये मूवी देख रहे थे सनी देओल की, पापा का फेवरेट मूवी, और पापा ही सो गए देखते देखते, वही सो गए हम लोग यहाँ पे तीनों देखने में लगे हुए थे। पापा देख भी लिया, पापा बोल रहे थे सनी देओल की मूवी लगाओ, तो ये लगाया था और पापा देखते देखते सो गए। डिनर के टाइम पे ही लगाया था। अभी फिलहाल 1 बज चुके हैं, अभी जा रहा हूँ मैं एडिटिंग करने, बाकी सब लोग तो सोएंगे। माँ तुम्हारी तबीयत कैसी है? डॉक्टर के पास तो गई ही नहीं, गला दर्द कर रहा है, कुछ भी नहीं, फीवर तो ठीक है। फीवर ठीक हो गया? हाँ, फीवर ठीक। अब गला दर्द न्यू प्रॉब्लम आ गया। हाँ। ये सर्दी में पता नहीं क्या क्या होगा, खांसी, सर्दी, फीवर, गला दर्द। अभी 6 डिग्री पे पहुंच चुका है टेम्परेचर, और ये भी पैक नहीं कर पाया मैं, ये और ये दोनों पैक कर दिया।
करने। चलो कल पैक कर देंगे, ये रहा पेपर, कल इसको पैक कर दूंगा। यहाँ से पक्का कर देना। यहाँ से सच में हवा आ रही है डायरेक्ट, यहाँ से ना सीधे हवा आती है। इधर पे तो कांच लगी हुई है एंड यहाँ पे जाली लगी है ना, तो जाली से यहाँ एंड यहाँ से डायरेक्ट हवा आती है। क्योंकि तुम्हारा घर तो जाएगा बिल्कुल अच्छा से सोता है, मेरा रूम ही एक सही है। मेरे रूम में ना कुछ भी मतलब हवा जाने का कुछ रास्ता ही नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल भी गेट बंद कर दो ना तो कहीं से भी हवा ही नहीं जाता, तो ठंडी नहीं लगती है। बाकी आगे रूम में चारों तरफ से हवा आते रहता है, किचन में तो ऐसा कोई सोता नहीं है, सबसे ज्यादा ठंडा एरिया यही होता है। साथ में कीटू भी जाएगा, सोया नहीं है। सो जाओ, गुड नाइट। चलो भाई भाई सबको गुड नाइट। किट्टू मिल्क बोन छोड़कर इसके जगह पे वो कैल्शियम बोन खाएगा, इसके लिए कैल्शियम बोन लाना पड़ेगा। ओए ये खा ले तेरा मिल्क बोन, सच में खाना है इसको। नहीं सो जा, रात को भी कितना खाएगा वो, अब उसको स्मेल आ गई। खाने का नाम सुना तो भुखड़ भाई भी खाते हुए निकल रहे हैं बाहर, रात को भी खाना चलता है। ज्यादा ठंड है बीच रूम में। हाँ और टी शर्ट में घूम, जब ठंड लगेगी ना फिर 6 इंजेक्शन याद कर लेना, काजल वाला 6 इंजेक्शन याद कर लेना। काजल तो आज इतनी खुशी हुई, आज के बाद काजल तो विदाउट स्वेटर कहीं घूमेगी ही नहीं। अरे ये खाना है क्या इसका, एक रखा था कहीं पे, नहीं खाना। सो शांति से क्या। तो अभी मैं तो जा रहा हूँ फटाफट से एडिटिंग कंप्लीट कर लेता हूँ, व्लॉग एडिट कर लेता हूँ जल्दी से जल्दी। अभी मैं पीसी भी यहाँ पे ऑन कर लिया हूँ। सो अभी फिलहाल सुबह के 5 बज रहे हैं एंड अभी मेरा एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है, अब बस व्लॉग को फटाफट से अपलोड करना है। एंड डेली ना मैं आपको टाइम बताता हूँ, बट अभी मैं टाइम के साथ आपको टेम्परेचर भी बताऊंगा। ये देखो टेम्परेचर आप लोग देखो, 7 डिग्री सेल्सियस, मतलब यार ठंड इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि पूछो मत। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज से लगभग 1 वीक पहले, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लगभग 1 वीक पहले ही मैं बोलता था व्लॉग में कि यहाँ तो ठंड ही नहीं है, एंड अभी पता चल रहा है कि ठंड किसको कहते हैं। मतलब इतनी ज्यादा ठंड अभी लग रही है, यहाँ पे घर में जैकेट पहनना पड़ रहा है, जैकेट के अंदर 2-2 टी-शर्ट, जैकेट के अंदर भी जैकेट पहनने की नौबत आ जाएगी। कुछ टाइम में अगर इसी तरीके से ठंड गिरती रही ना तो घर में 2-2, 3-3 जैकेट्स पहनना पड़ेगा। तो आप लोग भी यार घर में सेफ रहो, क्योंकि ठंड का मौसम काफी खतरनाक होता है। अभी देख सकते हो हमारे घर में काजल की तबीयत खराब हो गई, माँ की तबीयत खराब है, तो इसलिए मैं तो आपको यही बोलूंगा कि ठंड से बचकर रहो, घर में सेफ रहो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, मजे करो एंड व्लॉग देखते रहो। इसी तरीके से फिलहाल मैं इस व्लॉग को तो यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको मजा आएगा, मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके के और भी अमेजिंग व्लॉग्स देखने के लिए। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। टेम्परेचर अगर 0 डिग्री चला गया तब तो ये पानी ऐसे रखे रखे फ्रीज हो जाएगा। माँ बर्फ खाना रहेगा ना तो बस पानी बाहर निकाल कर रख देना, 0 डिग्री गया तो ये ऐसे ही रख दो फ्रीज। ये देखो दाल चावल फ्रीज हो चुके हैं अभी, नहीं हुए।